उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा काम है दर्सी सफ़ा नंबर 34। ये आपकी दर्सी अमली किताब है, इसका सफ़ा नंबर 34 खोलिए। ये वाला आज का हमारा तारुफ है रे। रे के ऊपर छोटी तो है। ये हमारी कौन सी आवाज़ है? दरमियान की आवाज़। रे दरमियान की आवाज़ होती है। रे जो होती है वो शुरू में नहीं आता, हमारे शुरू में कभी नहीं आता। रे या तो दरमियान में आता है या फिर रे आखिर में आता है। रे दरमियान की आवाज़ होती है या फिर आखिर की आवाज़ होती है। आज हम पढ़ रहे हैं दरमियान की आवाज़। ये क्या है? ळ। क्या है ये? ळ। ळ के ऊपर छोटी तो है। ळ के ऊपर छोटी तो है। और ये क्या बना हुआ है हमारे पास? चिड़िया। क्या बना हुआ है ये? चिड़िया। चिड़िया के दरमियान में कौन सी आवाज आ रही है? ळ। चिड़िया के दरमियान में कौन सी आवाज आ रही है? ळ। ये क्या बना हुआ है हमारे पास? कड़ा। ये क्या बना हुआ है? कड़ा। कड़ा के दरमियान में कौन सी आवाज आ रही है? ळ। ळ कड़ा। कड़ा के दरमियान में कौन सी आवाज आ रही है? ळ। ये क्या है? आड़ू। ये क्या है? आड़ू। आड़ू के दरमियान में कौन सी आवाज़ आ रही है? ळ। ळ के ऊपर छोटी तो है। ये क्या है? लकड़ी। ये क्या है? लकड़ी। लकड़ी के दरमियान में कौन सी आवाज़ आ रही है? ळ। ळ के ऊपर छोटी तो है। ये हमारे पास कौन सा वर्ड दिया हुआ है? ळ। ळ के ऊपर छोटी तो है। जैसे क्या बना हुआ है? चिड़िया। चिड़िया के दरमियान में कौन सी आवाज है? ळ। कड़ा। कड़ा के दरमियान में कौन सी आवाज है? ळ। लकड़ी। लकड़ी के दरमियान में कौन सी आवाज है? ळ। आड़ू। आड़ू के दरमियान में कौन सी आवाज आ रही है? ळ। अब हम नुक्तों पर हाथ फेरेंगे। सीधी लाइन, तिरछी। ळ के ऊपर छोटी तो है। यहाँ पर आपको नुक्तों पे हाथ फेरना है। सीधी लाइन, तिरछी। ळ के ऊपर छोटी तो है। सीधी लाइन, तिरछी। ळ के ऊपर छोटी तो है। यहाँ पर आपको खुद से लिखना है। सीधी लाइन, तिरछी। ळ के ऊपर छोटी तो है। सीधी लाइन, तिरछी। ळ के ऊपर छोटी तो है। यह आज आपका क्लास वर्क है। यह आपकी दर्सी अमली किताब है, इसका सफ़ा नंबर 34 खोलिए। क्लास वर्क मेंशन करना है, डेट मेंशन करनी है। पढ़ें, पेंसिल फेरें और रंग भरें। आज हमें कौन सी आवाज़ दी हुई है? ळ। ळ के ऊपर छोटी तो है। ळ कौन सी आवाज़ है? दरमियान की आवाज़। ळ शुरू में नहीं आता, ळ दरमियान में आता है या फिर आखिर में आता है। ये क्या बना हुआ है? चिड़िया। ये क्या बना हुआ है? चिड़िया। चिड़िया के दरमियान में कौन सी आवाज़ है? ळ। कड़ा। कड़ा के दरमियान में कौन सी आवाज़ है? ळ। आड़ू। आड़ू के दरमियान में कौन सी आवाज़ है? ळ। लकड़ी। लकड़ी के दरमियान में कौन सी आवाज़ है? ळ। ळ के ऊपर छोटी तो है। हाथ फेरना है आपको। सीधी लाइन, तिरछी। ळ के ऊपर छोटी तो है। यहाँ पर आपको हाथ फेरना है डॉट नुक्तों पर। सीधी लाइन, तिरछी। ळ के ऊपर छोटी तो है। यहाँ पर आपको खुद से लिखना है। सीधी लाइन, तिरछी। ळ के ऊपर छोटी तो है। ये आपका क्लास वर्क है। साफ। ये आपकी अमली किताब है, इसका सफ़ा नंबर 34 खोलिए। होमवर्क मेंशन करना है, डेट मेंशन करनी है। पढ़ें, पेंसिल फेरें और रंग भरें। ये कौन सा वर्ब दिया हुआ है हमें? ळ। ळ के ऊपर छोटी तो है। ये कौन सी आवाज़ है? दरमियान की आवाज़। चिड़िया। चिड़िया के दरमियान में कौन सा वर्ब आ रहा है? ळ। ये क्या है? कड़ा। कड़ा के दरमियान में कौन सा वर्ब है? ळ। यहाँ पर आपको नुक्तों पर हाथ फेरना है। सीधी लाइन, तिरछी। ळ के ऊपर छोटी तो है। यहाँ पर हाथ फेरना है नुक्तों पे। सीधी लाइन, तिरछी। ळ के ऊपर छोटी तो है। यहाँ पर खुद से लिखना है। सीधी लाइन, तिरछी। ळ के ऊपर छोटी तो है।
ये आपका होमवर्क है, सब में साफ सुथरा काम करना है, रंग भरना है इसमें साफ सुथरा सा।